वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेके जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है, कितने इसमें 23 टोटल 23 क्वेश्चन है इसके अंदर, 23 क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका देखते हैं 18वां। एक यही क्वेश्चन आपका पूरा डिटेल में आपको करवाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, थोड़ा ये अलग तरीके का सवाल है। अब देखो जो ये सवाल है ना, पहले एक चीज देखो, नीचे घात कितनी है 4, ऊपर घात कितनी है 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की घात 4 हो जाएगी। घाते जब सेम होती है तो आपको भाग देना होता है, ये तो बात क्लियर हो गई, भाग आपको देना है, लेकिन किस तरीके से आपको भाग देना है। देखो इसका भाग देना है, पहले हम बात समझो, इसको हम बिल्कुल ही अलग करके सोल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब इसको उतार लो, इसको अलग से उतार लो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 बटे में कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम पहले बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बिल्कुल हल कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग कर लेते, क्या लेते हैं बिल्कुल अलग अलग। अब उसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर इतने को एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं टी, ये नहीं कि आपका ऊपर आपका डी इसका 2x करेंगे फिर dt करेंगे, 2x dx बराबर dt, अब अलग नहीं करेंगे, हम बस इतने ही को सपोज कर रहे हैं, कितने को, इतने को हल करने के लिए। जैसे कि बात समझो, कभी आपको समीकरण होते थे जैसे x की घात 4 आ जाता था, 2x स्क्वायर आ जाता प्लस 3, इसके फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना होता था, यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर कुछ भी लिखो, कोई और लिख लो समीकरण, जैसे कि यहाँ पर 2 लिख लो, ये आपका। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप टी मानते थे, क्या मानते थे टी, जिससे आपका ये द्विघात समीकरण बन जाता, क्या बन जाता था ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता था, ये आपका द्विघात समीकरण, समझ में आया। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर वर्क करना है, एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे टी, तो अब आपका ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा सिंपल, जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां पर टी हो जाएगा, टी प्लस 1, टी प्लस 2 बटे में टी प्लस 3, टी प्लस 4, समझ में आया। ये आपको माना है, ये आपने क्या किया, आपने माना है एक्स स्क्वायर क्या माना आपने टी, इस कारण से, इस कारण से, अब अवकलन और समाकलन के कारण से नहीं ना, तो सर एक्स स्क्वायर को टी माना है, 2x dx बराबर dt, सर ऊपर तो 2x है ही नहीं, जो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये कुछ नहीं करना है, अभी हम बस इतने ही को हल कर रहे हैं, इतने ही को क्या कर रहे हैं हल। अब देखो अब घात आपकी सिंपल हो गई ना, अब इसको हल कर सकते हो, अंदर t का गुणा करो, अंदर t का क्या करो गुणा, तभी तो भाग दे पाओगे, तभी तो आप क्या दे पाओगे भाग। अब अंदर गुणा करेंगे तो t का इसमें करेंगे तो कितना आएगा t स्क्वायर, जब t का इसमें करेंगे तो 2t प्लस में 1 का इसमें करेंगे तो 3 प्लस 2 एकम 2 बटे में, यहाँ पर t का इसमें करेंगे तो t स्क्वायर, टी का इसमें करेंगे तो 4t, 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3t, और 3 का 4 में करेंगे तो 12। अब इसको देखो टी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, प्लस में 3t, प्लस में कितना आ गया आपका ये 2 बटे में, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, प्लस में 70, प्लस में कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका। अब ये इसका इसमें भाग जाएगा क्योंकि आपकी घात सेम है, घात क्या है सेम, पहले भाग दोगे फिर अलग अलग करोगे फिर क्या करोगे अलग अलग, तो भाग कैसे देंगे, ये रफली काम होता है बेटा ये भाग देना, ना तो आप फेयर पे इधर सामने करो, यहाँ पर हम आपको भाग बता देते हैं, ठीक है, डिवाइड करोगे, क्या करोगे आप डिवाइड, डिवाइड चलो उधर कर देते हैं जो रफली वर्क है, थोड़ा सा इस तरीके से भाग करना है, कितने में, ये वाला ऊपर वाला पद बीच में लिखा जाता है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 2, और किससे भाग करना है, इससे, किससे भाग करना है इसके, टी स्क्वायर प्लस में 70 प्लस में 12 से, इससे आपको भाग करना है। तो क्या नियम होता था, पहले वाले को सेम बनाना होता, पहला वाला तो ऑलरेडी सेम है, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो कितना आएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, कितना आएगा आपका टी स्क्वायर, 1 का इसमें करेंगे तो 70, 2 का इसमें करेंगे तो 12, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब 3 में से 7 गए माइनस के 40, माइनस का 2 में से यहाँ पर 12 के कितने बचे यहाँ पे माइनस के 10, ये बचे देखो बेटा 2 ये प्लस के इसके माइनस किसके 12 के, माइनस का आंसर आएगा माइनस का 10, इधर आपका 3 में 7 गया आपके कितने बचे माइनस का 40। अब आपको इसको लिखना सीखा था, इसको सबसे आगे लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं उसके नीचे इसको लिखते हैं, याद है या नहीं याद है, तो कैसे इसको लिखोगे, देखो बात समझो, इसको आप लिख सकते हो 1, क्या लिख सकते हो इसे 1 बार गया है, प्लस में क्या लगाओगे प्लस, शेषफल को कहां लिखते हैं ऊपर, शेषफल कितना है आपका माइनस का 40 माइनस का 10 बटे में, आपका कितना है आपका यहाँ पर नीचे टी स्क्वायर प्लस में 70 प्लस में 12, ये वाली लाइन समझ में, ऐसे लिखते थे याद करो, जो आपका भागफल आता था उसको आगे लिखते थे, फिर प्लस लगाते थे, फिर शेषफल को ऊपर लिखते थे, शेषफल आपका कितना है आपका 40 माइनस 10, इसको ऊपर लिखते थे, और भाग किसका देते जिससे आपने भाग लिया। अब इसके नीचे देखते हैं, नीचे आपके क्या गुणनखंड हो रहे हैं, ये आपको कौन सा सवाल बन गया,
पी एक्स प्लस क्यू बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला बन गया आपका। नीचे वाले की करेंगे फैक्टर, नीचे वाले यदि फैक्टर हो रहे हैं क्या, बारह और सात एक्स आपके इसी के फैक्टर तो आए थे, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर के, इसी के को तो आपने हल करके नीचे इतना आया था, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। इसके ऊपर आप देखो, इसके ऊपर अब आप देखो तो आपका इधर इधर हटा देते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका वन का वन, यहाँ पर आपका प्लस का प्लस, माइनस का फोर्टी, माइनस का टेन बटे में, नीचे इसके फैक्टर कितने हैं, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर, ये आ गया। अब इसको भी तो अलग अलग कर सकते हो आंशिक भिन्न से, इससे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से अलग अलग करना, फिर लास्ट में टी की जगह क्या रख देना, एक्स स्क्वायर, फिर बाद में इंटीग्रेशन करना, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का इतने का इंटीग्रेशन करना है, कितने करना है, इतने का। ये सब इसी के बराबर चल रहा है, इसी के बराबर ये सब चल रहे हैं, समझ रहे हो ना बेटा। बस यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या मान लिया, टी, क्या मान लिया, टी, टी की जगह लास्ट में आपको क्या रख देना होगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको आंशिक भिन्न से हल करेंगे, इसको देते हैं समीकरण नंबर ए, क्या देते हैं, समीकरण नंबर ए। अब इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर वन, यहाँ पर कितना लिखा आपका, माइनस का फोर्टी, माइनस का टेन बटे में कितना है आपका, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर। इसको आप कैसे तोड़ते हो, ए बटे करके तोड़ोगे, ये दोनों नीचे लीनियर हैं, रेखीय हैं आपके नीचे, बी बटे में कितना है आपका, टी प्लस फोर, ठीक है जी। और इसको हल करेंगे, क्या करते हैं, एलसीएम क्या लेते हैं इसका, एलसीएम, माइनस का फोर्टी माइनस का टेन बटे में कितना है यहाँ पर, टी प्लस थ्री, कितना है आपका यहाँ पर, टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर, इधर कितना है आपका एलसीएम, टी प्लस थ्री, टी प्लस फोर, इसका इधर गुणा इसका इधर, टी प्लस फोर गुणा ए प्लस में टी प्लस थ्री गुणा बी, ये आएगा नीचे वाले से नीचे वाला आपका कट गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, माइनस का फोर्टी माइनस का टेन बराबर टी प्लस फोर गुणा ए प्लस में कितना आपका, टी प्लस थ्री गुणा बी, ये आया आपका। अब एक बार क्या करोगे, टी का मान माइनस चार रखोगे, एक बार टी बराबर कितना रखोगे, माइनस तीन, कर लोगे इसे, कैसे करोगे सर, देखो जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं टी बराबर माइनस चार रखेंगे, कितना रखने के बाद, माइनस चार रखेंगे, तो जब टी बराबर माइनस चार रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चार यहाँ रखोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का सोलह माइनस का दस होगा, इधर ये वाला पद आपका जीरो हो गया, माइनस चार में से तीन के कितने, माइनस का एक बचा इंटू बी, आया समझ में, इधर समझ में आया, माइनस का चार रखा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सोलह में से दस के इतने बचे छह, इधर माइनस है, इधर आ जाएगा माइनस का बी बराबर माइनस छह, और डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखो, टी बराबर अब कितना रखोगे, माइनस तीन, कितना रखोगे, माइनस तीन रखने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार तीन बारह हो जाएंगे प्लस के, बारह माइनस दस, ये वाला पद जीरो हो गया आपकी बार, अब इसमें रखेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का वन बचेगा, माइनस ए रखा, प्लस का चार कितना चाहिए यहाँ पर, प्लस का वन, प्लस का वन इंटू ए, बारह में से दस के कितने बचे, दो, ए का मान कितना आ गया, ए तथा बी का मान किसमें लिखने पर, इसमें दो में, इसमें लिखने पर दो में, लिख लो बेटा, ए तथा बी का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, लिखना है बेटा, ए तथा बी का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर, तो कितना होता है, माइनस का फोर्टी माइनस का टेन बटे में टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर, ठीक है बराबर, क्या चीज आपका बराबर, ए का मान कितना है आपका निकला है दो, दो बटे में कितना लिखो, टी प्लस थ्री, और यहाँ पर बी का मान कितना निकला है आपका छह, और किसका, माइनस का छह बटे में टी प्लस फोर, ये लिखोगे आप, माइनस का छह बटे में टी प्लस फोर। अब ये वाला मान आपका कितने का निकाला, इतने का। अब लिखते हैं समीकरण नंबर एक से, कैसे लिखते हैं, समीकरण नंबर एक से, इसको हटा देंगे बेटा ये भाग को, वन प्लस क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर एक से, समीकरण नंबर एक क्या है आपका, देखो ये रहा, इधर आपका अभी देखो टी चल रहा है, ये टी के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, टी के, यहाँ पर आपको इस तरीके से यदि आप लिखना चाहते हो इस तरीके से लिख सकते हो, देखो टी प्लस वन, टी प्लस टू बटे में टी प्लस थ्री, टी प्लस थ्री, टी प्लस फोर, टी प्लस फोर, ये इसके बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, ये इस वाले पदी के, तो ये सब बराबर चल रहे हैं, टी वाले पद, टी वाले पद इसी के तो सब बराबर चल रहे हैं ना आपके। अब इसके बराबर आपका कितना मान है आपका, वन प्लस माइनस का फोर्टी माइनस का टेन है। अब इतने की जगह, कितने की जगह, इतने की जगह, इतने की जगह आप क्या रखोगे, ये वाला मान, क्या रखोगे, ये वाला मान, कितना है आपका इतने की जगह, इतने की जगह आपके मान आया आपका, ये दो बटे कितना आया आपका, टी प्लस, टी प्लस थ्री, और यहाँ पर कितना है, माइनस छह,
माइनस का छह बटे करते हुए देखो प्लस माइनस माइनस टी प्लस फोर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? देखो ये वाला मान आपने निकाल लिए, ये लिखते हैं समीकरण नंबर एक से। इसके बाद आप लिखोगे तो इसकी इतने की जगह आपने ये वाला मान यहाँ पर रख दिया। इधर बराबर का मतलब समझ रहे हो बेटा? बराबर का मतलब क्या है आपका? ये चल रहा है, क्या चल रहा है आपका? ये। अब आपने टी को क्या मान रखा था? एक्स स्क्वायर। अब रख देते हैं टी बराबर कितना रख देते हैं? एक्स स्क्वायर। क्या अब आपका बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपका होने गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर बराबर वन प्लस दो बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस छह बटे में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्या आपको ये सवाल करना था? ये सवाल था आपका। देखो अब क्या लगाना है? इंटीग्रेशन। क्या लगा देना है? इंटीग्रेशन। अब इन सब में क्या लगा दो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस में फोर इंटू डी एक्स बराबर यहाँ पे वन पे भी इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस टू पे दो को आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वह एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस तीन, तीन को आप क्या लिखोगे? अंडर रूट तीन का वर्ग। क्या लिखोगे? अंडर रूट तीन का वर्ग इंटू डी एक्स माइनस छह को बाहर निकाल दो। वन बटे में कितना होगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस दो का वर्ग इंटू डी एक्स। अब देखो बात समझो, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स प्लस में दो। ये किसका आपका? टेन इनवर्स एक्स का है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है आपका? वन अपॉन ए। क्या होता है आपका? वन अपॉन ए टेन इनवर्स। क्या चीज होता है? टेन इनवर्स एक्स बटे ए। एक्स की जगह एक्स, ए की जगह कितना है आपका? माइनस का छह टेन इनवर्स। ये भी किसका आपका? टेन इनवर्स। लेकिन वन अपॉन ए पहले होता है, छह गुणा कितना हो जाएगा? वन अपॉन ए। ए का मान कितना है? दो। टेन इनवर्स एक्स बटे ए का मान कितना है आपके पास? दो प्लस में सी। क्या दो से कट जाएगा? तीन। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? देखो एक्स प्लस दो बटे अंडर रूट तीन, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट थ्री माइनस का तीन टेन इनवर्स एक्स बटे दो प्लस में सी, दैट योर आंसर। इस तरीके से सवाल को करना था। क्या सवाल समझ में आया? बस इसके अंदर क्या खासियत थी कि जो आपका ये वाला पद लिखा है ना, इस पद को पहले बिल्कुल ही फैक्टर कर दो, इसके अलग से बिल्कुल क्या नहीं होते फैक्टर। एक ही सवाल है आपकी इस एक्सरसाइज में जो आपको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर क्या था आपको, इसके एकदम से आप तो यदि इसका भाग भी आप डायरेक्टली देते तब भी आपका एक्टिव की आचार बनता, तो आप उसको कर नहीं पाते। समझ में आया? इस तरीके से आपको ये करना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? देखो इधर इंटीग्रेशन टू एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी एक्स। अब देखो ये वाला सवाल, देखो एक्स स्क्वायर का ऊपर अवकलन लिखा है टू एक्स, जो नीचे ही घात ज्यादा है ऊपर ही घात कम है, तो आंसर मिन भी लगेगी। तो देखो नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है ना। अब इस सवाल में डायरेक्टली करना, जैसे 18वां सवाल था वो अलग सवाल था, बिल्कुल ही अलग सवाल था, और ये वाले सवाल आपका ऐसे ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को यहीं पर आप टी मान रहे हो, कहां पर? समाकलन में। किसमें मान रहे हो? समाकलन में। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है आपका? टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर डीटी। अब देखो टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या है आपका? ये आपका कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीटी बटे, किसके बटे? डीटी। ऊपर डीटी हो गया। अब आपने एक्स स्क्वायर को टी मान रखा है, कितना मान रखा है एक्स स्क्वायर को? टी। तो कितना हो जाएगा? टी प्लस वन, और यहाँ पर आपका टी प्लस थ्री। अब ये सवाल तो आपको बहुत सरल हो गया। कौन सा ट्रिक वाला? कौन सा ट्रिक वाला? ऊपर घात एक है, ऊपर घात एक है, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से इंटीग्रेशन वन अपॉन में टी प्लस वन, फिर आपका माइनस का वन अपॉन में टी प्लस थ्री, ठीक है, इंटू डी एक्स। पहले छोटे वाले को लिख लिया, फिर आपने बड़े वाले को लिख लिया। अब ये देख लेते हैं ऊपर भाग किसका देना है, भाग किसका देना है। इसका इधर गुणा करते हैं रफली टी प्लस थ्री, इसका इधर गुणा करते हैं टी प्लस वन, और कोष्टक में माइनस का अंदर गुणा करेंगे टी प्लस थ्री माइनस का टी माइनस का वन, टी से टी कट गया, तीन में से एक कितना बचा? दो। कितने भाग देंगे? दो। सवाल समझ में आया? भाग उसमें वन का हो रहा था, इसमें किसका हो गया? टू का। वन अपॉइंट टू तो बात रहेगी, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो। वन अपॉइंट टी प्लस वन इंटू डी एक्स, टू का बेटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन वन अपॉइंट में टी प्लस वन टी प्लस थ्री इंटू डी टी। बेटा डी एक्स कहाँ है? यहाँ पे डी टी कन्वर्ट हो गया। अब देखो आप समझो, वन अपॉइंट एक्स का कितना होता है आपका? लॉग हो जाएगा, ये लॉग टी प्लस वन माइनस का वन अपॉइंट टी, वन अपॉइंट टू लॉग टी प्लस थ्री प्लस में सी। और टी किसको मान रखा है आपने? एक्स स्क्वायर को। टी की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर एक बटे दो आपका क्या हो गया? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री,
क्लोज प्लस में सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा नीचे लिख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपका डी टी होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका डी टी, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटे लॉग एन, समझ में आ गया। लॉग के अंदर आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 मा, ये आपका सोल्व में जैसा है, क्वेश्चन नंबर सोल्व में जैसा है। यहाँ पर आपका क्या था, x कोष्टक में x की पावर n माइनस वन था। तो अभी सवाल को ऐसे करोगे, देखो नीचे घात कितनी है आपकी, x है, यहाँ पर कितनी है x है, यहाँ पर कितनी बनानी होती है x की घात चार, कितनी बनानी होती है x की घात चार। तो कितने का ऊपर नीचे गुणा करोगे, x की घात तीन का करोगे तभी x की घात चार हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन x की पावर तीन, नीचे भी x की घात तीन इंटू x की घात चार माइनस वन इंटू डी एक्स, क्या लिखोगे ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर, अंश तथा हर में x की पावर तीन का गुणा करने पर, तो नीचे x की घात चार हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई, ऐसा क्यों करते हैं, x की घात चार, x की घात चार माइनस वन इंटू डी एक्स। तो अब क्या करोगे, x की पावर चार को डी मान लोगे, x की पावर चार को क्या मान लोगे डी, इसका अवकलन फोर एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो आपका किसका निकल जाएगा, एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर कितना जाएगा आपका डी टी बटे चार, बार आप लिख सकते हो एक बटे चार, इंटीग्रेशन ऊपर कितना आ गया डी टी, नीचे आपके यहाँ पर एक्स क्यू चार को क्या मान रखा अपने टी, तो आपने क्या मान लिया टी माइनस। अब फिर आपको ट्रिक वाला सॉल्व बन गया, ट्रिक वाला बन गया, क्या लिखोगे पहले छोटे वाले को फिर बड़े वाले को, देखो एक बटे चार इंटीग्रेशन वन अपॉन में टी माइनस वन, फिर माइनस का वन अपॉन में टी कोष्टक क्लोज इंटू डी टी, ये होगा आपका। अब देखो देखते हैं किसका भाग लेगा, इसका इधर गुणा इसका इधर, टी माइनस इसके इधर करेंगे तो माइनस का टी प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर दिया टी से टी कट गया, कितना बचा आपके पास वन। देखो इधर ऐसे माइनस ऐसे है आपका, अंदर टी प्लस वन आएगा, टी इधर आपका माइनस वन है, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा टी माइनस टी प्लस वन, टी से टी कट गया आपका बचा कितना आपके पास वन, तो वन का आपका क्या लगेगा, वन का क्या लगेगा आपका इस तरीके से। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, देखो इधर एक बटे चार इंटीग्रेशन, यहाँ पर कितना आपका वन अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी, माइनस का इधर कितना है आपका एक बटे चार, तो इधर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन में टी इंटू डी टी, वन अपॉन टी का कितना होता है लॉग टी माइनस वन, माइनस का एक बटे चार लॉग टी टी प्लस सी, प्लस में सी, एक बटे चार कॉमन है, एक बटे चार कॉमन ले लिया लॉग टी माइनस वन, माइनस का लॉग टी, और टी आपने किसको मान रखा है एक्स की पावर फोर को, ये आपने टी मान रखा है, तो यहाँ पर एक्स की इसकी जगह लिख दोगे एक बटे चार, इधर लॉग एम माइनस वन लगा दोगे, चलो अगली स्टेप में लगा देंगे लॉग एक्स की पावर चार माइनस वन माइनस लॉग एक्स की पावर चार प्लस में सी, लॉग एम माइनस लॉग एन एक बटे चार लॉग एक्स की पावर फोर माइनस वन बटे में एक्स की घात चार प्लस में सी, दैट योर आंसर है आपका सिंपल। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक लगा सकते हो आंसर में ए और बी की बिना तोड़े, बिना तोड़े जब ऊपर आपका वन हो, ऊपर क्या हो आपका वन हो या फिर कोई संख्या हो, तो आप पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला इस तरीके से करोगे, ठीक है। फिर नंबर आपका 21 क्या है देखो, इसको आपको बताते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस वन। तो जो आपका ये ई की पावर एक्स वाले जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं अभी तक, तो वो सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद आप सोच नहीं पाओगे इसमें करना क्या है, इसके अंदर आप वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन है ना, आपको समझ में नहीं आता कि इसके अंदर करें तो करें क्या। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, ई की पावर एक्स का ऊपर गुणा करते हैं और ई की पावर एक्स का नीचे गुणा करते हैं, लेकिन ई की पावर एक्स ऊपर भी ले आएंगे और नीचे भी हम किसका गुणा कर देंगे ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस वन, इसके बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। ये आपको ऐसा क्यों करा, क्योंकि e की पावर x को यदि आप t मानते हो तो e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x, लेकिन वो तो ऊपर है ही नहीं, तो इसीलिए हमने ऊपर e की पावर x का गुणा किया, यदि ऊपर गुणा किया तो नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो अब आप e की पावर x को t मानेंगे तो आपके चला जाएगा, लिखोगे e की पावर x को क्या माना आपने t, तो e की पावर x का कितना होता है e की पावर x इंटू dx बराबर dt, तो e की पावर x और dx किस में चला गया आपका dt में, तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या आ गया dt, नीचे आपका कितना आ गया t, और यहाँ पर t माइनस वन। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल किया था, ये सवाल किया था आपने, कैसे करोगे इसको आंशिक भिन्न के बिना,
तोड़ लोगे, पहले छोटा वाला फिर आपका बड़ा वाला। इसमें भाग कितने का लगा था आपका, एक का भाग लगा था प्लस में आपका सी, और वन अपॉन टी का इतना होता है आपका, डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। वन अपॉन टी का इतना होता है लॉग टी माइनस वन, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, और माइनस का लॉग टी प्लस में सी। और इसको आप कैसे कर सकते हो, इधर देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर लॉग टी माइनस वन बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर, टी आ जाएगा लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, और टी का मान क्या है आपका ई की पावर एक्स, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन बटे में ई की पावर एक्स प्लस में सी, दैट योर आंसर। इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 22। अभी वाले क्वेश्चन आपको हिंट दें क्योंकि ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, ठीक है। अब बात समझो ये वाला सवाल कैसे करोगे, आंसर भी उनसे से तोड़ लोगे क्योंकि आपकी और ट्रिक नहीं लग सकती, ऊपर आपका एक्स है, ऊपर क्या आपका एक्स है, तो अब इसको तोड़ना ही पड़ेगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। कैसे तोड़ोगे इसे, ए बटे करके तोड़ोगे एक्स माइनस वन, फिर बी बटे करके तोड़ोगे एक्स माइनस टू, ये हो गया समीकरण नंबर ए। इसमें मान रख दोगे, इसको हल कर लोगे, ए और बी के मान निकाल लोगे, इसमें रख देना, ये लॉग का बनेगा, ये भी किसका बन जाएगा लॉग का, समझ में आ गया, ये आपका वर्क है करने के लिए। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 23, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको वही सवाल हो गया। 16वां क्वेश्चन नंबर 20वां और क्वेश्चन नंबर 23वां बिल्कुल आपके क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो बात समझो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है आपका एक्स स्क्वायर, बार भी आप एक्स स्क्वायर बनाओगे तो ऊपर नीचे कितने बना करोगे एक्स का, कितने करोगे एक्स का, और नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब किसको टी मानते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं टी, तो टू एक्स डी एक्स बराबर कितना आता है आपका डी टी, और यहाँ पर दो का क्या लग जाएगा भाग डी एक्स डी टी बटे में कितना आ जाएगा दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बटे दो आपका बार आ गया, डी टी ऊपर आ गया, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर टी, और यहाँ पर भी आपका टी प्लस वन। अब इसको भी आप ट्रिक से हल कर लोगे, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर इंटीग्रेशन लगा दो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको पूरी आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। तो अब कल से आपकी एक नई एक्सरसाइज चालू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देखना।